लेकिन जो जलन वाला स्किन है वो जो तीग हो जाता है, तो थोड़े मम्मी भी ये चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इन मछली वो लोग बाइट होके हुक किया जाते हैं, वो लोग पत्थर में लिपट के बेच जाते हैं, दत्तवे वो लोग को पुल आउट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही दिक्कत उठाना पड़ते है। अरे जिंदा है क्या? ओह तपा गया। बहुत रिक्स तरीका से यहाँ पे कितना लाइन मार है, अराउंड 7-8। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरा और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम नाइट ट्रैप देखने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं हमारा पारे नदी काफ़ी बड़ा हुआ है। उसका कारण दोस्तों ऐसा बड़ा पानी में आप लोग ईयर पीस के लिए ट्रैप लगाने से आप लोगों को देम से और आप लोगों को भय होगा। दैट्स व्हाई दोस्तों मैंने कल रात ट्रैप डाला था ईयर मछली के लिए, एंड आज देखने जा रहे हैं। वैसे फिलहाल तो हम हायर सेकेंडरी का ये ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यहाँ से हायर सेकेंडरी रास्ता गुजरा जाते हैं, एंड वी ददिया पे इंदौर स्टेडियम एक है पुतसेल है, और उसका आगे हायर सेकेंडरी स्कूल मिलेंगे। लेकिन पर हमें इस तरफ जाना है, क्योंकि ये नीचे से लेके और ऊपर तक अराउंड 3-4 टू हुक मैंने डाला था खड़ा। सो लेट्स गो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कितना बड़ा साइज का हुक मैंने यूज़ किया था ये नाइट ट्रैप में, एंड ये मेरा पहला यात्रा यहाँ पे हुक हो चुके हैं। लेट्स सी दोस्तों, एल पीस हो जाने से तो बहुत मस्त हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मैंने एल पीस के लिए ऐसा ट्रिप करने निकले हैं। तो यहाँ पे शायद एल पीस होगा, क्योंकि मेरा लाइन जो काफी ये सामने में आके रखे दोस्तों। फाइनली एक किल मछली मिल चुके हैं। ये तो दोस्तों काफी रिक्स से पास है, आप सभी को शो करते हैं। ये दोस्तों फाइनली ओला गैस, ये चप्पन गंजू जो कैसे बाइट किए हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने दो हुक यूज़ किया था, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एक है और यहाँ में एक है। ये आइडिया जो मम्मी जो मुझे दिया था, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट चारा लगाने से एक लाइन में तब इल मछली काटा जाता है, एंड आज तो मम्मी का जो बोला वाला चीज़ जो साबित भी हो गया। दो हुक विथ डिफरेंट स्पीसीज मछली के साथ मैंने ट्रैप किया था, एंड इट्स दोस्तों जुदबीन है देखिए हंसी भी लग रहे, अजीब भी लग रहे। ये मछली क्या करने जा रहा था होगा, जो उसका गला में उल्टा लाइन जो पूरा लिपट के ये तपक गया हुक करने के लिए, चारा सारा डाल के बहुत बढ़िया तरीका से उसमें डाल दिया था। लेकिन हु नोस क्या गजब है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली ये नदी इतना लेवल तक नहीं भरा जाता, लेकिन इस बार आफ्टर 2014 या 2011 का बाद हमारा पारे रिवर जो इस बार बहुत रिक्स से भरा हुआ है। दैट्स व्हाई यहाँ का अगल बगल तबाही हो गया, एंड यहाँ पे मेरा पैर में एक जुक पार्टी मनाने के लिए चढ़ाई कर रहे। सर जी कितना मिला है अभी तक? जीरो। गाइस लास्ट टाइम ये भाई को भी ये जगह पे एक बड़ा बैत हुआ था, लेकिन इसका लाइन को तोड़ के चला गया वाला है। दैट्स व्हाई सर आज भी ट्राई कर रहे हैं मॉर्निंग, एंड विदाउट इट्स ए रेनी वेदर उस पर हम लोग फिशिंग कर रहे हैं। एंड दोस्तों आप लोग भी केयर कीजिए, ऐसा रेनी सीजन में आप लोग मत भीगिए एंड नदी भी मत जाओ, क्योंकि आजकल आप सभी पता है कोरोना जैसे काशी माता दरा दिए सब होते हैं। एंड विदाउट अभी तो अरुणाचल में एवरीवन नोस क्या होते हैं हमारा अरुणाचल में, इट्स ए मानसून सीजन, ज़्यादातर पानी लैंडस्लाइड फ्लड ऐसे ही होते हैं। दैट्स व्हाई आप लोग केयर कीजिए एंड सर इंजॉय कीजिए फिशिंग।
दोस्तों मेरा लास्ट ट्रिप को हम निकल के देखेंगे, क्योंकि थोड़ा पहले मैंने चेक किया था पुल आउट करने के लिए पास के रखे हैं, लेट्स सी इल मछली है क्या या ऐसा फंस किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इल मछली वो लोग बाइट होके हुक किया जाता है, वो लोग पत्थर में लिपट के बेच जाते हैं, दोस्तों वो लोग को पुल आउट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही दिक्कत उठाना पड़ता है। आई एम होपिंग मछली होने से तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। गैस मछली तो हुक होने में नहीं हुआ, लेकिन कचरा बहुत सारा हुक हुआ था, उसका कारण फंस गया था। काफ़ी है, एक पीस मिले काफ़ी दिनों का बाद, है ना पुर्मी। एंड दोस्तों आप सभी पता होता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा यूज़ नहीं किया जाते, रस्सी यूज़ किया जाते, लेकिन प्लास्टिक चीज़ को कल रात यूज़ किया था, बहुत अच्छा लगे, फंसने से भी ये जो टूट जाते हैं प्लास्टिक चीज़, लेकिन आप लोग नदी में प्लास्टिक चीज़ प्लीज मत फेंकिए। फाइनली रास्ता निकल चुका है, अब रवाना करते हैं घर की ओर। एंड दोस्तों काफ़ी काफ़ी सालों के बाद ये मिले। दोस्तों आज के लिए मेरा ब्लॉग्स इतना ही, आप लोग भी ऐसा बड़ा पानी में डेम श्योर ट्रिप कीजिए, आप लोग को इल पीस एंड विद द मसीर भरा और आप लोग को बाइट किया जाता है, तब बड़ा मछली लोग ऐसा चारा खाने या कुछ भी कुचुर मुचुर खाने और लोग निकल जाते हैं। दोस्त सुहाए आप लोग ऐसा समय में देख के नई ट्रिप कीजिए, एंड विद द मुर्गी पेट से फिशिंग करने से भी बहुत सारा मिलेंगे, एंड ऐसा पानी गंदा पानी में आठ वन से भी फिशिंग करने से बहुत सारा मिलेंगे। फर्दर वीडियो में दोस्तों आप सभी को विद डिफरेंट बाइट सीजनल बाइट आप लोग को शो करेंगे, अगर आप सभी इंटरेस्टेड है तो फिशिंग ब्लॉग्स हमारा और नेचर में आप सभी को फिशिंग करना है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड विद द मेरा व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर देना, क्योंकि रिसेंटली क्रिएट किया है, मेंबर तो उतना नहीं है, लेकिन आप लोग ज्वाइन करने से बहुत बड़ा अच्छा होगा, मीन्स मेरा लिए मीन्स सुविधा होगा, हाँ ऐसा कुछ समथिंग है। सो दोस्तों टिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे सेफ जस्ट चिल है वही, आज ये मछली का साथ जस्ट चिल है। गैस मम्मी को देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, हिमाचल में या ट्राइबल में एक कहावत है, जो भी ये मछली को इल मछली को ऐसा मामी जैसे चाहते रहे ऐसा चाहते हैं, उसका पास एक ह्यूमन एबिलिटी आते बोले, आई मीन टू से जब भी किसी के साथ बर्न या सन बर्न या फायर बर्न या आग से जल जाते हैं, तब वो इंसान लोग को जो ऐसा चाहते रहे वो इंसान लोग स्पीड करने से वो इंसान का जला वाला पार्ट लुक जल्दी तिग हो जाते हैं, स्किन तो रिकवरी नहीं होता है, लेकिन जो जलन वाला स्किन है वो जो तिग हो जाते हैं, तो थोड़े मम्मी भी ये चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाइस देख के अजीब लगा होगा, मुझे भी बहुत अजीब लगे क्योंकि पहली बार ऐसा करने वाला प्रैक्टिकल देखे, बचपन से तो सुने आप लोग भी अपना ग्रैंड मदर का उसमें कहीं नहीं तो कहीं सुना होगा, अगर इफ यू आर बस्ती इलाका में थोड़ा बैठते हैं या थोड़ा अपना अरुणाचल का वातावरण पता है तो आप लोगों को शेयर किया होगा अपना ग्रैंड पेरेंट्स लोग, आप लोग भी दोस्तों कमेंट डाउन कर सकते हैं ये चीज़ असली में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ जाता है क्या, जस्ट एक कहावत है, अभी तो मम्मी करने वाला हम देखे हैं अभी तक, लेट्स सी प्रैक्टिकल अगर देखते हैं तो आप लोग को अपडेट भी करेगा। एंड दोस्तों प्लीज़ कमेंट कर दीजिए आप लोग क्या सोचते हैं ये सब चीज़ को, हमारा और नेचुरल जो प्रैक्टिस करे इसको मानना चाहिए या जस्ट एक कहावत है, इतना ही है जस्ट चिल।